हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन में। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लोन्स एंड ईएमआई। लोन्स एंड ईएमआई को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सरकार और आरबीआई का बड़ा फैसला, 3 महीने तक नहीं भरनी पड़ेगी कोई भी ईएमआई एंड लोन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल अनाउंसमेंट किया है कि 3 मंथ्स तक आपको कोई भी ईएमआई या लोन्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के लोन्स पे आपको यह छूट दी जाएगी। नंबर 1, होम लोन। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो होम लोन पे यह छूट अवेलेबल है। नंबर 2, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन, अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन लोन पे यह छूट अवेलेबल है। किसानों को एग्रीकल्चर लोन पे भी यह छूट दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन पे यह छूट अवेलेबल है, पर्सनल लोन पे यह छूट दी जाएगी। कंज्यूमर लोन, अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंज्यूमर लोन लिया है अपनी दुकान के लिए या किसी बिजनेस के लिए तो उस पे भी यह छूट अवेलेबल है। कार लोन एंड टू व्हीलर्स लोन, अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार लोन लिया है या बाइक लोन लिया है तो उस पे यह छूट अवेलेबल है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड लोन्स के बारे में। आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लोन लिया है तो आपको यह छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई ईएमआई चल रही है, अगर आपने कुछ ईएमआई करा रखी है, जैसे आपने कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू मोबाइल फ़ोन ख़रीदा हुआ है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई बाइक खरीदी है, लैपटॉप ख़रीदा है, तो उस पे आपको यह छूट नहीं दी जाएगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आरबीआई यह छूट जो अवेलेबल है टर्म्स लोन पे ही अवेलेबल है। जो निश्चित समय के लिए कोई लोन लिया गया है उसी पे यह छूट अवेलेबल है। और क्रेडिट कार्ड लोन्स किसी भी टर्म्स लोन के अंतर्गत नहीं आता है। किसी भी निश्चित समय के लिए या अवधि के लिए निश्चित नहीं होता है तो क्रेडिट कार्ड पे यह छूट अवेलेबल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की कुछ खास जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। धन्यवाद।